तो भाई लोगों, आज की वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कैसे आप अपने फ्री फायर गेमिंग वीडियो को एडिट कर सकते हो काइन मास्टर एप्लीकेशन की मदद से। क्या नाचो भाई? तो देखो, वीडियो में बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा, सिंपल तरीके से बताऊंगा। अगर आपने इसको सीख लिया तो आपको एक प्रो लेवल की गेमिंग एडिटिंग आ जाएगी। अच्छा, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, ध्यान से देखना। बट यहाँ पर इस वीडियो को एडिट करने के बाद आप अगर अपलोड करोगे तो आप देखना आपके वीडियो पे क्या फर्क पड़ता है, आपके चैनल पर क्या फर्क पड़ता है, आपके एकदम व्यूज की भाई बारिश होने वाली है। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे काइन मास्टर एप्लीकेशन की, से आप एडिट करोगे। अगर आपके पास जुगाड़ वाले काइन मास्टर एप्लीकेशन नहीं है, आप समझ गए होगे, तो आप मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करवाई है, तो उसको डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद आप ओपन करोगे, आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस होगा। अब एक बात भाई, मेरे से आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो देखते हो बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब मत करना। बट अभी के लिए वीडियो को एक लाइक कर दो, ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। बाद में अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। तो जैसे आप काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन करोगे, आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस होगा। प्लस का आइकन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस होगा। यहाँ पे 60:9 है, इस वाले रेशियो को सिलेक्ट करना है। 16:9 जो लिखा हुआ है इसको सिलेक्ट करना है, पहला वाला रेशियो। एंड अब आपके सामने क्या होगा, यहाँ पर डायरेक्ट आप गैलरी में आ चुके हो। अब जो भी आपने फाइल रिकॉर्ड करके रखी हो उस फाइल को यहाँ पर सिलेक्ट कर लो। तो यहाँ पे मैं ये देखो अपनी फाइल को रिकॉर्ड किया है, ये आ गई हमारी फाइल गेमिंग की। अब यहाँ पर फाइल आ चुकी है, जो पहला काम होता है थोड़े से ग्राफिक्स को कलरफुल करना। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस लेयर को सिलेक्ट करो अपनी गेमिंग को। देखो मैंने सिलेक्ट कर लिया, येलो कलर की लाइन आ गई, सिलेक्ट हो चुकी है। एंड इसको यहाँ पर ऊपर नीचे देखो, देखो ये जो है एडजस्टमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको ब्राइटनेस जो है हल्की सी बढ़ा देनी है, लगभग प्लस 7-8 कर देनी है। एंड इसके बाद जो कॉन्टेस्ट है इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देना है, इसको आपको लगभग रखना है प्लस 35 या 30। तो यहाँ पर हम कर देते हैं 35। एंड इसके बाद नीचे एक और ऑप्शन है, इसको भी आपको बढ़ा देना है, और इसको भी आपको रखना है 35। एंड इसके बाद एक और ऑप्शन नीचे होगा, इसको भी आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है, और इसको लगभग आपको रखना है, मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको आपको करना है इस वाले ऑप्शन को, देखो जो मैं ये है ये वाला ऑप्शन, इसको आपको करना है प्लस 20 या 23। ठीक है, चलो हमारा 22 हो चुका है, चलो कोई बात नहीं, अच्छा है। एंड बस आपको ओके कर देना है। अब आपके जो ग्राफिक्स है थोड़े से अच्छे हैं, कलरफुल आ चुके हैं, देखने में अच्छा लगेगा, आपका जो वीडियो है ये पहले से अच्छा हो चुका है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार चेक कर देता हूँ, आप देख सकते हो, ठीक है। तो कुछ देखने में ज़्यादा अल्ट्रा, मतलब एकदम कमाल के लग रहे हैं, जिससे हम लोग अल्ट्रा पे खेलते हैं ना, उसके जो ग्राफिक्स आते हैं उस टाइप के ग्राफिक्स आपके हो चुके हैं। एंड यहाँ पर हमारा पहला काम हो चुका है। अब बात आती है यहाँ पर, अगर आपकी इस वीडियो की वैल्यूम कम ज़्यादा करना है तो इसके लिए आपको उसको सिलेक्ट करना है। एंड यहाँ पर जो माइक का ऑप्शन है, देखते हो स्पीकर बना हुआ है, इस पर क्लिक करना है। एंड देखो ये 100% है ना, इसको ऊपर कर दोगे 153, 154, ठीक है 153, ये देखो ये हो रहा है, तो ये आपकी वैल्यूम अधिक हो जाएगी, तेज़ हो जाएगी। और उसको कम करना है, जितना आपको कम करना है उतना नीचे लाना है। और यहाँ पर वैसे आपको कितनी वैल्यूम रखनी है, 21 या 20, मतलब आपको अगर वॉइस ओवर यहाँ पर करनी है, अगर वॉइस अपनी आप ऐड करना चाहते हो तो आपको 20 रखना पड़ेगी अपनी गेमिंग वीडियो की जो वॉइस है। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, वॉइस ओवर करने के लिए यहाँ पर रिकॉर्डर पे क्लिक करोगे। तो यहाँ पे आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते मैं बता दे रहा हूँ, रिकॉर्डर पे क्लिक करके आप वॉइस ओवर कर सकते हो। अब यहाँ पर इस वीडियो में जो हम कैचेस है, मान लो कोई बेकार पार्ट है उसको हम कट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, देखो ये जो फाइल है इसको सिलेक्ट करो लेयर को, एंड यहाँ पर इस तरीके से आप इसको निकालो, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी फाइल, मानो यहाँ पे मैंने हेडशॉट मारा है, तो यहाँ पे इसको हम क्लिक करेंगे, यहाँ से हम ले जाना चाहते हैं, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, इस फाइल को कैची वाले ऑप्शन पे जाएंगे, ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ कर देंगे। अब पीछे का हिस्सा है वो कट हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो हमारा पीछे का हिस्सा कट हो चुका है। अब बात आती यहाँ पर कि भाई यहाँ पर तुमने पीछे का हिस्सा तो कट कर दिया, अब यहाँ पर मुझे केवल हेडशॉट लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इसने यहाँ पर ये हेडशॉट मारा है, अब यहाँ पर मैंने पूरा क्वार्टर किल किया है, तो यही पूरी स्क्वाड मारी है। तो यहाँ पे देखना एक और बंदा आएगा। अब ये देखो मेरा भूकंप बन के मैं जितना जा रहा हूँ, ये बेकार का पार्ट है ना पीछे का। अब यहाँ से मुझे क्या करना होगा, देखो ये देखो यहाँ पे एक और बंदा, देखो ये मारा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आ जाना है, आने के बाद जो जहाँ पे आपको देखना है कि जहाँ पे बंदा आने वाला है, यहाँ पे देखो ये आने आ गया बंदा। तो यहाँ पे इस फाइल को हम सिलेक्ट करेंगे, कैची वाले ऑप्शन पे जाएंगे, और यहाँ पे थर्ड नंबर पे जो ऑप्शन है स्प्लिट इट प्ले हेड, ये रहा, इस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर आपको ऐसे करके आना है इस फाइल को, देखो ये फाइल यहाँ पर आना है, ठीक है, ये
अब यहाँ पर हम कहाँ तक चलते, ये हेड मारा था हमने, यहाँ पर हेड मारा था। अब बाकी का ये जो पार्ट है आगे का, हेड मार के हम बुकॉम बने हुए हैं, इसको हमको हटाना है। तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे इस फाइल को इस तरीके से, और बाकी का जितना आगे का हिस्सा है ट्रिम टू राइट ऑफ कर देंगे। देखो ये जो सेकेंड नंबर पर ऑप्शन है ट्रिम टू राइट ऑफ, अब देखो ये हट गया। अब आप देखो मैं ये बता रहा था, ठीक है, ये हेड मारा और एक बंदा और आएगा, देखो इसके हेड मारा। अब यहाँ पे मुझे एक और पार्ट अपना अच्छा सा लेना था तो हम ये आ गए डायरेक्ट, और इसके भी हेड मारा। तो इस तरीके से आप किसी भी पार्ट को यहाँ पर बीच का जो पार्ट है उसको हटा सकते हो और आगे का पार्ट अपना उसमें जोड़ सकते हो। आप समझ गए होगे, अगर ना समझ में आए तो वीडियो को स्किप करके समझ लेना, बार बार देख लेना, कोई दिक्कत नहीं भाई, और आराम से समझ में पहली बार तो पहली बार में आ जाएगा। एंड इसके बाद अब मान लो यहाँ पर हमके आगे का जो पार्ट है आपका, जितना वीडियो आपको मान लो इतना पार्ट हमारा गेम हो चुका है, देखो अब ये पार्ट बेकार है, इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर से इस तरीके से, जहाँ पर रेड लाइन आ रही हो देख लो आप, रेड लाइन जहाँ पे आती है ये पार्ट यहीं पे है, इस तरीके से इसको आप कैचे वाले ऑप्शन क्लिक करके और ट्रिम टू राइट ऑफ कर दोगे, आगे का पार्ट ये हमारा कट जाएगा, ठीक है, ट्रिम टू राइट ऑफ कर दोगे, ये कट गया पार्ट। अब बात आती है यहाँ पर कोई फनी वीडियो ऐड करना, तो फनी वीडियो ऐड, वाओ ब्यूटीफुल, ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना होगा, लेयर पे जाना होगा जहाँ पे ऐड करना चाहते हो, इस तरीके से रोक लो उसको, उस लाइन को, यहाँ पर रेड लाइन को, ये जो आ रही है नंबर की, देखो टाइमिंग लिख के भी आता है 5 कुछ, देखो टाइमिंग लिख के आ रहा है, इस टाइमिंग पे आपको इस तरीके से, या फिर ऐसे देख लेना वीडियो में कहाँ पे आपको लगाना है इस तरीके से निकाल के। तो मान लो मुझको, मैंने यहाँ पे इस बंदे को मारा, यहाँ पे मुझे फ़नी वीडियो लगाना है, तो लेयर पे मैं क्लिक करूँगा, एंड इसके बाद देखो यहाँ पर ऊपर मीडिया का ऑप्शन, इस पर क्लिक करूँगा, एंड यहाँ पर जो भी आपने फ़नी वीडियो ऐड कर रखे हो तो उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हो, अगर नहीं आपके पास है तो मुझे बता देना, मैं आपको दे दूँगा। यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर रख सके हैं फ़नी वीडियो, एंड यहाँ पर ये मैं ऐड करना चाहता हूँ फनी वीडियो, अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना, ये रहा, चलो ये ऐड कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। एंड इसके बाद आपको ये देखो ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर इस जैसे ये लेयर आ जाए आपको यहाँ पर क्या करना है, नीचे आना है, क्रॉपिंग का ऑप्शन दिखेगा, क्रॉपिंग पे जाना, एंड मास्क है जो ऑप्शन इसको इनेबल कर देना, शेप पे जाना, एंड यहाँ पर जो गोल वाला है राउंड वाला है इस वाले शेप को सिलेक्ट करना, एंड यहाँ पर इसको राउंड में ले लेना इस तरीके से, ठीक है। अब इस तरीके लेने के बाद इसको डन कर देना। अब देखो ये राउंड हो चुका है, मतलब गोल हो चुका है, इस साइज़ इसका छोटा बड़ा कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है, जितना साइज रखना चाहे, और यहाँ पे जैसे चाहे रोटेट करके यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो इस तरीके से। अब यहाँ पर ये आपकी फ़ाइल जो है वो ऐड हो जाएगी, और अपनी फ़ाइल को इसी तरीके से आप छोटा बड़ा जितना चाहे ये देखो इस तरीके से कर सकते हो और ऐड कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर मान लो फनी है, ये देखो इस तरीके से, ठीक है, आपकी जो फ़ाइल है वो आ जाएगी। अब यहाँ पर एक काम और रहता है, वो रहता है आपको वॉइस ऐड करना, तो उसके लिए आपको आईडियो पे जाना है भाई, और यहाँ पर जो भी आपने आईडियो अपना जहाँ भी रखा है उसको सिलेक्ट कर लो, अपनी जो भी आप गेमिंग म्यूजिक लगाना चाहते हो उसको यहाँ पे मान लो ये मैं लगाना चाहता हूँ, प्लस के आइकन क्लिक करके हमारा ऐड हो चुका है। एंड यहाँ पर अगर आपका वीडियो लंबा है मान लो, ठीक है, मान लो यहाँ पर ये फाइल हमारा म्यूज़िक इतना है, ठीक है, मैं एक बार इसको कट कर देता हूँ, आपको दिखाता हूँ, मान लो इतना हमारा म्यूज़िक है, देखो यहाँ पर ये ख़त्म हो गया है म्यूज़िक। तो यहाँ पर अगर आपको पूरा करना है, जितना भी लंबा आपका वीडियो, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, आपको एक काम करना होगा, लूप पे क्लिक करना होगा, यहाँ पर देखो पहले म्यूज़िक फाइल को सिलेक्ट करना, एंड इसके बाद लूप पे क्लिक करना, एंड लूप टू एंड कर देना। इससे क्या होगा, जो पूरा जो म्यूज़िक है पूरी फाइल पे आपको लग जाएगा, चाहे आपकी 20 मिनट की फाइल हो या 10 मिनट की फाइल हो, और जितना भी छोटा म्यूज़िक है वो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा एक बार में, पूरा फाइल पे चला जाएगा, देख लो हमारा म्यूज़िक आ चुका है। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर कोई भी अपना सब्सक्राइब का बटन या कुछ भी आप ऐड करना चाहते हो तो लेयर पर जाकर यहाँ पर इस तरीके से इसको ऐड कर दोगे, बस हमारा काम ख़त्म है। एंड इसको क्या करना है, एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, एंड फुल HD क्वालिटी में इसको हम यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो भाई वीडियो अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को और प्रेस करना, ताकि आपको इसी भी करते और भी वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे।